क्या आपने कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में सुना है? हो सकता है नहीं सुना हो, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म जरूर सुने होंगे और आप इन्हें डेली लाइफ में यूज भी करते होंगे, जैसे माइक्रोवेव, एक्सरे, इंफ्रारेड रे। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। वैसे लाइट की स्पीड को इमेजिन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसे मान लीजिए कि लाइट की स्पीड इतनी है कि वो एक सेकंड में अर्थ के 8 चक्कर कंप्लीट कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी की फॉर्म है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसा कि हम जानते हैं, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब वो मूव करते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। यही चार्ज जब एक्सलरेट होने लगे या ओसिलेट होने लगे तो इससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज होता है, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। इस प्रोसेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं।